दोस्तों आज हम बात करेंगे रेडिंगटन के स्टॉक के बारे में। रेडिंगटन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.36% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से और तेजी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 146 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 157, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 166 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 178, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 185 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 141 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 136 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 131 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 126 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।